अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको रिव्यू दूँगी फोकलर के कंसीलर के बारे में। देखें, ये कुछ इस तरह से आता है। इसकी पैकिंग मैंने ओपन कर दी थी। मैं यही कंसीलर यूज़ करती हूँ। ये मैंने अली एक्सप्रेस से बाय किया था, ऑनलाइन मैंने इसको मंगवाया था। ये बहुत ही मज़े का कंसीलर है। आप ये यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा कंसीलर है। मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का है। ये देखें, ये आपको वहाँ से आपकी अपनी स्किन ट्यून के हिसाब से मिलेगा। आपको जो शेड चाहिए आप ले सकते हैं। मेरे पास है 01 शेड। ये देखें, ये बहुत बेस से पहले आप अप्लाई करें, बहुत ही नेचुरल। आपके सारे डार्क सर्कल जो है इससे छुप जाते हैं, दाने जो भी निशान है आपके फेस पे आपके, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इनका ये कंसीलर बहुत अच्छा है। मैंने बहुत से कंसीलर यूज़ किए हैं लेकिन मुझे इनकी बेस और इनका कंसीलर बहुत पसंद आया है। मैं आपने लास्ट मेरी वीडियो में चेक किया होगा, मैंने आपको इनकी बेस और कॉम्पैक्ट के बारे में बताया था। आज मैं आपको इनके कंसीलर के बारे में बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। आप ये ज़रूर यूज़ कीजिए। ये आपको अली एक्सप्रेस से भी मिल जाएगा, दराज से भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम के आपको इनके पेज से भी मिल जाएगा। आप वहाँ से भी ऑर्डर करके ये ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी इनका लूज़ पाउडर। मेरे पास फोकलर का ही लूज़ पाउडर है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इनका लूज़ पाउडर, फोकलर लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छा इनका लूज़ पाउडर है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ये किस तरह से नज़र आता है। ये देखें, इसके साथ इनका एक पफ भी है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, आप बेस लगाने के बाद इसको आप उससे सेट करें। आपकी बेस 24 आवर तक ख़राब नहीं होगी। आपकी बेस 24 आवर तक ख़राब नहीं होगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मैं अपनी बेस पे यही अप्लाई करती हूँ और इसका बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आता है। आप ये ज़रूर यूज़ कीजिए। मैंने ये भी अली एक्सप्रेस से ही बाय किया है। आप इसको दराज से भी ख़रीद सकते हैं और आप इसको इंस्टाग्राम के इनके पेज से भी ख़रीद सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको लगा के भी चेक करा सकती हूँ। आप बेस इन्हीं का कंसीलर बेस अप्लाई करें और उसके ऊपर ये आप इनका लूज़ पाउडर यूज़ करें। आप यकीन करें, इतनी स्किन नेचुरल लगती है, आपके फेस पे बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने कोई बेस लगाई है। नेचुरल स्किन आती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इनकी फोकलर की 3-in-1 आईब्रो पेंसिल है। ये देखिए, ये मेरे पास शेड है 02। आपको इसमें 3 शेड मिलेंगे, ब्राउन, ब्लैक और नेचुरल कलर में आपको एक मिलेगी। आपके पास आप इनके पेज पे जाके आप सर्च कर सकते हैं आपको कौन सा आईब्रो का शेड चाहिए, कौन सा जो है आपके आईब्रो पे अच्छा लगेगा। मैंने 02 शेड लिया है। ये 3-in-1 है। मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। एक तरफ इसके ही पेंसिल है। ये देखिए, ये यूँ ओपन होगी और ये निकलेगा। ऐसी पेंसिल का शेड है। ये देखिए, अब मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। इससे आप अपनी आईब्रो सेट करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इससे आईब्रो बहुत अच्छी लगती है, डार्क नहीं होती इससे। एक साइड पे इसकी ये वाला ब्रश है, देख सकते हैं आप, और एक साइड पे इसके ये वाला ब्रश है।
इसके बाद आप इसको अपनी आईब्रो पे इस तरह से करने से, रब करने से, ये है कि जो डार्क शेड कहीं पे भी अप्लाई है वो आपके पूरी आईब्रो में सेट हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग आईब्रो पेंसिल है। फोकलर के सब प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए। इनकी आईब्रो पेंसिल बहुत अच्छी है, कंसीलर बहुत अच्छा है, लूज़ पाउडर भी बहुत अच्छा है, और आपको ये इंस्टाग्राम से भी मिल जाएगा, इनके पेज से, दराज से भी मिल जाएगा, और अली एक्सप्रेस से भी ख़रीद सकते हैं। जाने से पहले, वीडियो एंड करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। नई वीडियो के लिए आपसे अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।